प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो हमने पहली चार एक्सरसाइज में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में हमें ये देखना है कि जब हम दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ करेंगे या दो वास्तविक संख्याओं को घटाएंगे या उनकी गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो फिर वो क्या बनेगी, वो परिमेय संख्या बनेगी या फिर वो अपरिमेय संख्या बनेगी। अब देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास, तो या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी वास्तविक संख्या है हमारे पास, या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। इनके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। कोई भी दो परिमेय संख्या आप लीजिए, उनको आप जोड़ेंगे तो वो कुछ भी बने, वो बनेगा एक परिमेय संख्या ही। ठीक इसी तरह से अगर हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे घटाओ या घटा तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम दो परिमेय संख्याओं की का गुणन करेंगे, मतलब उनकी गुणा करेंगे, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। इसी तरह से जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जीरो ना हो, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जीरो ना हो, क्योंकि फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसको इस तरह से लिख देते हैं कि जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग, दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लेना है, भाग किया जाता है तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लें या उनको घटा लें या उनको गुणा कर लें या उनको भाग कर लें, बस जिसे भाग करें वो जीरो ना हो, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं है। देखो, हमने एक अपरिमेय संख्या ली वर्गमूल थी और दूसरी भी एक अपरिमेय संख्या ली वर्गमूल थी, जब हमने इसको घटाया तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो तो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं वर्गमूल दो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल दो ये भी अपरिमेय संख्या, इनकी गुणा करूं
तो वर्गमूल दो और वर्गमूल दो से तुम्हें कितना मिल जाएगा, दो। ये भी एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरह से मैं अगर वर्गमूल दो को वर्गमूल दो से भाग कर दूं, वर्गमूल दो को और वर्गमूल दो को मैं भाग कर दूं तो ये कट जाएगा एक। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आ गई। यानी कि जो बात हम परिमेय संख्याओं के लिए कह रहे हैं वो हम अपरिमेय संख्याओं के लिए नहीं कह सकते हैं। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं की घटा, दो अपरिमेय संख्याओं की घटा अपरिमेय संख्या नहीं होती, जैसे हमने यहां पे लिखा। इसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं की भाग, दो अपरिमेय संख्याओं की भाग, कोई जरूरी नहीं है कि आंसर अपरिमेय संख्या ही आए, परिमेय संख्या भी आ सकती है। अब देखो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लो हमारे पास परिमेय संख्या p है और अपरिमेय संख्या r है। देखो पहले हमने परिमेय संख्याओं के बारे में उन पे संक्रियाओं की बात की, फिर अपरिमेय संख्याओं पे संक्रियाओं की बात की, अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या पे संक्रिया की बात करेंगे। यानी कि एक तो हमने p तो परिमेय संख्या ले ली और q अपरिमेय संख्या ले ली, तो p प्लस r। अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, वो होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से एक परिमेय संख्या की गुणा दूसरी परिमेय संख्या के साथ, एक परिमेय संख्या की गुणा दूसरी अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या के साथ, यानी कि p गुणा में r, लिखना चाहो तो p गुणा में r, तो ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा एक अपरिमेय संख्या। और जब हम एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दें या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दें, तो उस केस में भी हमारे पास p बटे में r, हमने क्या ले लिया, p बटे में r, या फिर हम ले लें r बटे में p, तो p बटा r ले लें या r बटे में p ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अब इसके बेस पे हमें जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका घटाव हो रहा है, तो जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उनका जो घटाव होता है तो आंसर कैसा आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट है, देखो दूसरे पार्ट को पहले सॉल्व तो करना पड़ेगा, 3 + √23 - √23, तो ये इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब 3 तो एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरे पार्ट का जो आंसर है हमारे पास वो आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से तीसरे पार्ट को देखते हैं, जो कुछ कैंसिल होता है पहले वो कैंसिल तो करेंगे, तो वर्गमूल 7 के साथ वर्गमूल 7 कट जाता है, हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2/7। अब 2/7 तो कैसी संख्या है, 2/7 हमारे पास संख्या है परिमेय संख्या, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या, तीसरे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। अब देखो चौथा पार्ट है हमारे पास, ऊपर तो है एक यानी कि परिमेय संख्या और नीचे है वर्गमूल 2 यानी कि अपरिमेय संख्या,
तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम भाग करते हैं, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या हमारा आंसर है इसका। ठीक, पांचवा पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो जब एक परिमेय अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे, एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली तीन तरह से बात है। एक तो कि जब परिमेय संख्याओं पे जोड़ घटा गुणा और भाग किया जाता है तो हमारा जो आंसर है वो परिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्याओं पे जब हम दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करें या घटा करें या गुणा करें या भाग करें तो हमारा आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये बात सही नहीं है, इतनी बात। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, जब हम एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें और उनको जोड़े घटाए गुणा करें या भाग करें तो जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये तीन बेसिकली बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तीन बातें ध्यान रखने से आप ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल कर लेना।